आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। गणनायक भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त है, इसलिए कोई भी पूजा या अनुष्ठान हो या किसी देवता की आराधना की शुरुआत, सबसे पहले भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है, इसीलिए किसी भी कार्यारंभ के लिए श्री गणेश मुहावरा जैसा बन गया है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जी ने विकट स्वरूप क्यों व किस लिए धारण किस था। जानकार विद्वानों के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार जलंधर के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया था। उसके बाद जलंधर का एक पुत्र हुआ कामासुर। कामासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने त्रिलोक विजय का वरदान दे दिया था। वरदान पाकर कामासुर ने देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिया। असुर से परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया और राक्षस से मुक्ति की प्रार्थना की। तब भगवान गणेश ने विकट अवतार लिया। इस अवतार में भगवान गणेश मोर पर विराजित होकर आए और कामासुर को पराजित कर दिया। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एकदंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। जानकार विद्वान बताते हैं कि प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार कामा आसुर भगवान विष्णु का अंश था। जब विष्णु जलंधर के वध के लिए वृंदा का तप नष्ट करने पहुँचे तो उनके शुक्र से एक अत्यंत तेजस्वी असुर पैदा हुआ। कामाग्नि से पैदा होने के कारण उसका नाम कामासुर हुआ। कामासुर ने बाद में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त की और ब्रह्मांड पर विजय करने का मन बनाया। गुरु शुक्राचार्य ने शिष्य से खुश होकर विजय पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या करने का सुझाव दिया। इसके उपरांत कामासुर ने भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या की, जिससे अन्न जल त्याग के कारण उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। उसकी इस तपस्या से खुश होकर देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। उसने कामना की कि वह ब्रह्मांड का स्वामी, शिव भक्ति और मृत्युंजय होने का वरदान प्रदान किया जाए। वरदान मिलने के बाद अहंकार में चूर कामासुर ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को पराजित कर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। तब महर्षि मुद्गल के मार्गदर्शन में सभी देवी देवता और ऋषि मुनि ने कामासुर से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की उपासना की। इस तरह भगवान श्री गणेश जी ने उपासना से प्रसन्न होकर विकट अवतार लिया। भगवान श्री गणेश जी के विकट स्वरूप ने मयूर पर सवार होकर सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर कामासुर की राजधानी को घेर लिया और युद्ध किया। इस घमासान युद्ध में कामासुर के दोनों पुत्र मारे गए। कामासुर भी जान गया कि उसका अंत नजदीक है। विकट के गुस्से से बचने के लिए उसने माफी मांगी और अपने अस्त्र शस्त्र त्याग उनकी शरण में आ गया, जिससे उसके प्राण बच गए। आप जानते हैं कि गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता है, क्योंकि ऋग्वेद यजुर्वेद आदि में गणपति के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के पांच प्रमुख देवों पंचदेव में शामिल है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिवगणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय शरानन को भ्राता, रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की कन्याएं को पत्नी, क्षेम और लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, इसमें समुख, एकदंत,
कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र गजानन आदि है। वैसे भगवान श्री गणेश के अन्य नाम भी बहुत प्रचलित है। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एकदंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।